हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेजो मैथिक्स। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं जो ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है यहाँ पे दिया है ये वाली, तो इसको हम जो लास्ट टर्म है वो पहले लेते हैं टू और थ्री अलग अलग करके, तो जो जितनी ये टर्म्स है उनको हम ऊपर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम वन को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं और थ्री को टू से ऐड करते हैं, तो वो कितना हुआ थ्री इंटू वन प्लस टू हो गया फाइव। यहाँ पे फाइव लिखो और इसके बाद फाइव को वन से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर थ्री से ऐड करते हैं, वो हो गया एट। ऐसे ही एट को वन से मल्टीप्लाई करते हैं और फाइव से ऐड, हो गया थर्टीन। और उसके बाद थर्टीन को वन से मल्टीप्लाई और एट से ऐड, वो कितना हुआ ट्वेंटी वन। जो लास्ट टर्म, लास्ट के दो टर्म्स वही हम लेते हैं, ट्वेंटी वन अपॉन थर्टी आपका फ्रैक्शन का आंसर आएगा। थैंक यू सो मच, और ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।